देखिए, हाँ जी देखो, आज हम लोग करेंगे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी, ये है एनसीईआरटी का चैप्टर 9 क्लास 8th का। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशियंट, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, ये सब होता क्या है, क्योंकि ये चैप्टर में यूज होगा ये सब सारा टर्म। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लें कि है क्या, सबको यही देखना है, यही देखना है, जहां समझ में नहीं आए पूछना है, लिखते समय हम बोल देंगे कि भाई रुक के लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक्सप्रेशन क्या है वो देखते हैं। अब जैसे देखिए, अगर यहां पे लिखा हुआ है 4x प्लस 5, ठीक है, या लिखा हुआ है 2x² + 5x + 6। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर ये लिखा हुआ है, देखो यहां पे ये जो x और y, x हो गया, या चलो दूसरा इक्वेशन 3y² + 6 अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो टर्म है ना एक्स वाई, ये सब जो टर्म लिखा हुआ है, ये सब वाई एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ना वेरिएबल। ठीक है, समझ गया ना, जहां भी ये कुछ कांस्टेंट नंबर लिखा रहे 4, 5, 3 जो भी, उसके पीछे में एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर या कुछ भी ऐसा लिखा रहे, उसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक, अब आता है क्या, जैसे देखो x के आगे, जैसे मान लो यहां पे y स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाई स्क्वायर के आगे 3, जैसे मान लो ये 3y² + 6 लिखा हुआ है, तो ये y, ये जो y है ये तो वेरिएबल हो चुका है, इसको तो बोल दिया कि ये वेरिएबल है जी, क्या ये वेरिएबल है। अब ये वाई स्क्वायर के आगे ये क्या लिखा हुआ है, 3, इसे बोलते हैं कोफिशियंट, इसे क्या बोलते हैं, कोफिशियंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, कोफिशियंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या होगा, 5 होगा, पता चल रहा है। और जो अकेला ये लिखा हुआ है ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 6, ये 6 क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म होगा। ठीक है, ये पता चला। अभी तीन चीज बोले, क्या क्या, एक बोले वेरिएबल क्या है, तो एक्स वाई जो किसी नंबर के पीछे लिखा रहा है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब उसे क्या बोलते हैं, हाँ तो यहाँ बता ही रहे हैं, तो बुक देखने की क्या जरूरत है, घर पे देखना बुक। ठीक है, तो एक्स वाई जो भी है, जिसे उसके आगे कुछ भी नंबर लिखा हो, उसके पीछे वाला ये जो एक्स वाई जेड, ये जो कुछ भी लिखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उसके आगे जो कुछ भी है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशियंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मान लो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x³ + 4, तो x³ का कोफिशियंट क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो कोफिशियंट इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी, यस सर, कुछ भी नहीं लिखा रहे तो 1 होगा। अगर मान लो अगर कहीं पे देखो ऐसा है 5x³ + -6x + 9 ऐसा लिखा हुआ है, अब बताना कि x³ का कोफिशियंट क्या है, ये 5, ये कोफिशियंट है, x² का कोफिशियंट 4 है, ठीक है, और x का कोफिशियंट 6 है, ये -6 है, -6 है, ये जो -6 है साइन के साथ बोलेंगे, ये -6 क्या है, x का कोफिशियंट है, और 9 क्या है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, ये समझ गया ये क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कोफिशियंट क्या होता है, समझ गया बात ये सर। दूसरी बात, एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन,
ठीक है, ये सब क्या है एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, समझ रहे बात, एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में आगे आता है equation. एक आइडेंटिटी, एक होता है इक्वेशन, वो भी बताएंगे कि वो होता क्या है, समझ रहे बात, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, इतना पहले नोट करो। अब देखो अगला टर्म क्या होता है और फैक्टर क्या है, ये देखेंगे टर्म और फैक्टर, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है, मान लो लिखा हुआ है 2x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है, अब इसमें देखो अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में बीच में प्लस या माइनस हो, मतलब एक देखो इसके बीच में ये प्लस है और एक ये है, दो पार्ट है ना, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा, टू होगा, मतलब एक ये पार्ट हो गया, प्लस के आगे ये लिखा हुआ है, प्लस के इधर ये लिखा हुआ है, तो बीच में अगर प्लस और माइनस सेपरेट हो ना, देख लेंगे कितना है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो मोनोमियल, वो उसे टर्म बोलते हैं, कितने टर्म हो गए, दो। मान लो लिखा हुआ है जैसे 3x² + 5x - 6, अब इसमें टर्म देखें अगर, तो कौन कौन सा टर्म होगा, 3x² - 5x, कौन कौन सा टर्म है यहाँ पे, 3x, हाँ हाँ, कौन कौन सा टर्म है गौरव, 3x² - 5x - 6, तो टोटल टर्म कितना हो गया, 3। ये पता चल गया ना कि जब भी बीच का बात नहीं करना है, जो भी बीच ये होगा प्लस माइनस से जो भी सेपरेट होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन में उसे क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक, यस सर। अब आते हैं, ये समझ गया, टर्म समझ गया ना कि क्या है। अब देखो फैक्टर क्या है, ये देखो जैसे मान लो 8 है लिखा हुआ, ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसा, यस सर, ठीक है। अब ये 2 जो है 8 का देखो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्या क्या है जो कि 8 को डिवाइड कर ले, 4 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, और 1 जो है ना वो तो है, सबका है फैक्टर, समझ रहे बात ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, पीछे चैप्टर में हम लोग किए थे ना कॉमन जो निकालते थे, कहीं कहीं पहले हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना था, ठीक है, तो ये क्या है, 1 सबका फैक्टर होता है, कुछ भी नहीं रहता था, देखो 1 कॉमन लेते थे फैक्टराइजेशन चैप्टर में, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। मान लो जैसे कि तुम्हारा 12 है एक नंबर, अब 12 का अगर हमें फैक्टर पता करना है तो क्या हो सकता है, 1 तो होगा ही होगा सबका, और क्या होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, और 6 और 12 भी होगा, समझ गया बात, फैक्टर समझ गया ना, तो इसको थोड़ा नोट करो फिर बताते हैं आगे, इसको थोड़ा नोट करो, बस बस, हाँ, अरे दिन भर रहना है साथ में खेलने का बात करता है। देखो अब जो है ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, ठीक है, डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, ठीक है, उससे आगे भी जो होता है लेकिन पॉलीनोमियल उसके बाद बोल देता है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया गया है, इसमें एक को बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब ये मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे एग्जांपल देखो अगर लिखा हुआ है 2x, ये अकेला एक टर्म है,
है ना, प्लस माइनस सेपरेट कुछ है कुछ भी नहीं ना, एक टर्म ये हो गया कोमा सिक्स एक्स, मान लो लिखा हुआ है फोर एक्स स्क्वायर, ये अकेला एक टर्म है ठीक है। अगर मान लो लिखा हुआ है सिक्स, ये क्या है लिविंग टर्म है, एक टर्म है, है ना। तो ये जो अगर अकेला एक ही टर्म हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, समझ गया बात। इसके बाद होता है एक बायनोमियल जिसमें दो हो टर्म, बायनोमियल। अब क्या होगा एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स, विच कंटेन टू टर्म। अब इसका एग्जांपल देखो जिसमें क्या दो टर्म हो, टू एक्स प्लस थ्री, जिसमें दो टर्म हो उसे क्या बोलते हैं बायनोमियल। जिससे मान लो टू एक्स प्लस फोर, अब क्या है एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये टर्म ये क्या हो गया बायनोमियल, पता चल रहा है ना, क्योंकि आगे आएगा एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये सब टाइप का आएगा ठीक है। हाँ, अब जैसे लिखा हुआ है थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, अब बोलो ये क्या होगा बायनोमियल, क्यों, क्योंकि एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया। गौरव पता चल रहा है? यस सर। ठीक है, अगला देखो ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, तीन टर्म्स कंटेन करे, हाँ थ्री टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे लिखा हुआ है मान लो टू एक्स टू दी पावर थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। अब देखो कितने टर्म है इसमें, थ्री कितने टर्म है थ्री, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। यस सर। अगले दिन से तुम एकदम आगे बैठेगा सर, इसे देखते रहता है पीछे बैठ जाता है, उसके बाद देखता है इसे, आग खराब है चश्मा लो, चश्मा लेना चाहिए ना। बोलो, हमको तो पता ही नहीं था कि इसका आंख में प्रॉब्लम है भाई, पहले से हमेशा से था। नहीं सर, पहले कहां तो पहले ठीक, जब आप आ रहे थे स्टार्टिंग तब तो ठीक ही पड़ रहा था सर, पबजी ज्यादा खेलने लग गया। हां मोबाइल में ध्यान देते। अगला है पॉलीनोमियल, कल पबजी खेल रहा था फोन। हां जी देखो पॉलीनोमियल ठीक है, तो एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म, जिसमें एक से ज्यादा टर्म आए ना उसे पॉलीनोमियल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बायनोमियल भी एक पॉलीनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल भी एक पॉलीनोमियल हो गया, क्या क्या सर, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो उसे बोलते हैं पॉलीनोमियल ठीक है। अगर दो है तो बायनोमियल बोल रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल में है क्योंकि सर ये इससे दो है। हाँ, एक अगर टर्म रहेगा तो मोनोमियल, और एक से ज्यादा वाला टर्म रहेगा तो किसमें आएगा पॉलीनोमियल में आएगा ठीक है। तो जैसे देखो फोर जेड प्लस सिक्स वाई प्लस एट, ये भी क्या है तो ट्राइनोमियल भी है और ये पॉलीनोमियल है ठीक है, समझ गया ना सर। फिर हमें दोनों लिखने हैं? नहीं नहीं, वो तो ये पॉलीनोमियल तो आगे चर्चा होगा ना, जैसे तुमको इस चैप्टर में क्या बोलेगा ना, टर्म दे देगा, बोलेगा क्या बताओ कि मोनोमियल है कि बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, या कभी ऐसा बोलेगा कि मोनोमियल है कि पॉलीनोमियल है, तो ऐसा जब कम आता है, लेकिन ये पूछेगा बायनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, समझ गया। इतना पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो। हाँ जी, ओए साउंड तुम्हारा आ रहा है। लाइक टर्म देखो क्या होता है, एक होता है लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। यस सर। तो लाइक टर्म किसको बोलेंगे और अनलाइक टर्म किसको बोलेंगे वो देखो, जैसे देखो अगर लिखा हुआ है फोर एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म हो गया अकेला, और मान लो एक लिखा हुआ है सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक है। अगर ओए साथ साथ नहीं लिखना है गौरव, लिखना नहीं है साथ साथ, रखो अपना बंद करके, लिखना नहीं है। अगर वेरिएबल ठीक है, अगर वेरिएबल सेम है, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां क्या
नहीं बोले लिखने के लिए तुमको नहीं बोले देख रहा हूँ नहीं नहीं साथ में लिख रहे हैं जी कलम बंद कर कॉपी बंद कर दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेरिएबल एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या वेरिएबल है यहाँ पे क्या वेरिएबल है सिक्स एक्स स्क्वायर वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर अगर वेरिएबल सेम सेम है मतलब ये दोनों क्या है लाइक टर्म ठीक है सर पर बीच में प्लस माइनस तो आया ही नहीं सुनो तो एक टर्म का मोनोमियल टाइप का लिया है ये अच्छा। वो भी लेंगे क्योंकि नहीं लगता है आगे देखो अगर लिखा हुआ है मान लो टू एक्स वाई और एक टर्म ये हो गया कोमा कोई दूसरा टर्म है मान लो माइनस थ्री एक्स वाई अब देखो पीछे जो है वो क्या है एक्स वाई यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई ये दोनों क्या होगा लाइक टर्म होगा सर मतलब जब टर्म रहती है उसमें वेरिएबल देखते हैं हाँ सेम होना चाहिए कॉन्स्टेंट वगैरह कोएफिशिएंट नहीं उससे कोई मतलब नहीं ये टू थ्री कुछ भी हो उससे कुछ कुछ दिक्कत नहीं है पीछे वाला एक्स वाई ये सब सेम होना चाहिए वेरिएबल सेम है तो लाइक हाँ हाँ ठीक है और वेरिएबल अलग है तो अनलाइक हाँ अब देखो यहाँ पे कोई दूसरा देखो जैसे कि लिखा हुआ है मान लो टू एक्स स्क्वायर वाई जेड दूसरा लिखा हुआ है मान लो फोर वाई एक्स स्क्वायर जेड सर सेम ही है वैसे भी बोलो ये ऋतिक सेम है कल तुम हमेशा बिना बोले अंडरस्टूड है यहीं पे बैठेगा नहीं यहाँ पे यहाँ ये बैठा हुआ अभी विशाल बोलने की जरूरत नहीं पड़े हमें अब देखो यहाँ पे अब ये क्या हो गया वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर वाई और जेड ठीक है यहाँ पे क्या है वाई पहले वाई लिखा हुआ है बाद में एक्स स्क्वायर है फिर जेड लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि ये सब तो आपस में मल्टीप्लाई आगे लिखो या पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है ये क्या है लाइक टर्म है बात समझ में आ गया लाइक टर्म अनलाइक टर्म ठीक है अब आते हैं अनलाइक पे देखो अगर लिखा हुआ है मान लो थ्री एक्स वाई ठीक है दूसरा लिखा हुआ है मान लो माइनस फोर वाई जेड अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है वेरिएबल क्या है एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल क्या है वाई जेड क्या सेम है नो सर नो तो ये क्या होगा अनलाइक टर्म होगा समझ गए बात यस सर और कुछ देख लो माइनस फोर एक्स टू दी पावर थ्री वाई जेड ये लिखा हुआ है यस सर मान लो अब लिखा हुआ है फोर माइनस फोर एक्स टू दी पावर थ्री वाई वाई पी अब बताओ सेम है या अनलाइक है या अनलाइक अनलाइक क्या होगा जी अनलाइक टर्म है यस सर गौरव अनलाइक है क्यों देखो माइनस फोर एक्स क्यूब वाई वाई सब तो सेम है सर वो पी और जेड है ना सर ये होगा अनलाइक टर्म समझ गए यस सर चलिए इतना नोट कीजिए पहले नोट कीजिए इसको वाह हो गया यस सर अब देखो यहाँ पे सर फिर बच्चा मिल गया था एडिशन नहीं तू उठा के ले गया कह रहे तू बस बस देख लो इधर अब हाँ जी अच्छा तो सर वो थर्माकोल वगैरह लगाओ तू इधर आप देखो इधर क्या एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो भाई एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है अब किस तरह से एडअप करेंगे वो देख लो अब जैसे देखो मान लो लिखा हुआ है एक क्वेश्चन 2x² प्लस 4y मान लो ये लिखा हुआ है ठीक है एक ये है दूसरा है मान लो हमें लिखा हुआ है 4x² प्लस 6y मान लो ये लिखा हुआ है दोनों को प्लस करना है ठीक है तो प्लस करना है तो किस तरह से करेंगे देख लो एक बार जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन उसको लिख लो 2x² प्लस 4y लिख दिए अब क्या करेंगे ये एक्स स्क्वायर है ना इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है यहाँ पे लिख दो ठीक है आता है ना तो वही तो सिंपल है अब यहाँ पे 6y है वाई यहाँ पे वाई वाले ठीक है अब क्या करेंगे सर 6x² प्लस 10 अब प्लस कर देना है प्लस करना है तो प्लस में कोई साइन वाइन चेंज नहीं होता है माइनस में अब 6 4 कितना होगा 10y साइन प्लस ही होगा 4 और 2 6x² आसान लगा y² भी तो होगा सर y
सिक्स है, फोर वाई आता है, वाई स्क्वायर होगा नहीं, वो पूछ रहा हूँ y है तो भी y ही होगा, x स्क्वायर ही होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस हो रहा है, सर ये समझ में आया? यस सर। लिखना नहीं है सर, आप बता नहीं जब लिख रहा हूँ, हम लिखना नहीं है, हम बोलते हैं टाइम लिखने के लिए देते हैं, बंद करो। अरे क्या है, बंद करो जी गौरव सर, दोबारा लिखवाएंगे जो बोलेंगे लिखो, नहीं लिखना है बोल रहे हैं, आगे देखो जी, दूसरा देखो, हाँ दूसरा देखो, दूसरा देखो, अगर लिखा हुआ है मान लो 3x² - 4xy + 6z² अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन मान लो ये एक है, दूसरा दूसरा है मान लो लिखा हुआ 7z² + 3xy - 6x² ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जिसका वेरिएबल सेम सेम रहेगा उसी के नीचे वो लिख देंगे, ठीक है, जिसका वेरिएबल सेम सेम रहेगा उसके नीचे वो लिख देंगे। हाँ जी, तुम उठ करके उसके सीट पे जाओ, ऋतिक को ऋतिक को यहाँ दो, ऐसे करके देख रहा है वो, ऐसे कहा दिख रहा तुमको, लिखना नहीं है क्या लिखा हुआ ये, सर ने मना करा लिखने से, जाओ जी तुम उसको यहाँ पे, दिखता नहीं है पीछे बैठता है, देख लो इधर देखो, अब क्या, हाँ देखो इधर, अब क्या करेंगे, एक ये एक्सप्रेशन है 3x² - 4xy + 6z², अब पूछना सर, अब देखो यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, सर अब देखो इसमें देखना है कहीं 3x² वाला टर्म है या नहीं है, यहाँ पे है ना, अब जो भी लिखा हुआ है इसके नीचे लिखो -6x², अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, xy वाला टर्म है, दिया गया है, क्या लिखा हुआ, प्लस साइन के साथ लिखना है 3xy, आगे देखो z वाला कोई टर्म है, प्लस क्या है 7z², यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 7z², अब देखो एक लाइन दो, ठीक है, अब देखना अभी इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस प्लस है तो प्लस माइनस 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 तो 3x² क्या होगा, 3x² अब यहाँ पे आगे में माइनस लिखेंगे प्लस माइनस, जो ग्रेटर होता है ना उसी के आगे जो साइन होता है उसी का लगा, अब देखो फिर से प्लस माइनस 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 एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस में, ये समझ आ रही थी, 4 - 3 1 आएगा, 1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, और धीरे से बोलो, 6 और 7 12 13 तेजी से नहीं बोलना है, उधर है डिस्टर्ब होते हैं सब लोग, ठीक है, समझ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया, यस सर, अब नोट कीजिए, सर आगे देखिए, सर अब सबट्रैक्शन वाला बताओगे, हाँ देख लो, सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देख लो यहाँ पे फिर लिख रहा है गौरव, नहीं मानेगा सबट्रैक्शन के हेडिंग डाल रहा हूँ, नहीं लिखने बोले हैं, ये भी नहीं लिखना, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो मान लो एक एक्सप्रेशन है 3x² - 4x + 6, मान लो एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम 4x² + 5x - 9, मान लो ये है, क्या बोल रहा है, इस टर्म को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम इस टर्म से, तो जिससे करना है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ये ध्यान से लिख लो, देख लो क्या है 4x² + 5x - 9, ठीक है, और ये जो जिसको सबट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो 3x² - 4x + 6, एक लाइन दो, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं साइन तो प्लस था,
चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है चेंज करके क्या कर देंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो उसको माइनस, माइनस, ये पता चला। यस सर, यस सर। सब एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, सबट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, पता चल गया इतना। अब ये साइन को ध्यान नहीं रखना, अब ये साइन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, अब ये प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो फोर माइनस थ्री क्या होगा, वन एक्स स्क्वायर प्लस लग रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। अब ये साइन यहाँ पे प्लस या माइनस क्या लिखा है, माइनस प्लस का सर, प्लस प्लस का। अब यहाँ देखो प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस नाइन प्लस, तो ये क्या हो जाएगा फाइव और फोर, सर प्लस कैसे आ रहा है, नाइन एक्स, साइन चेंज ना किए, माइनस में साइन चेंज होता है, अभी तो देर से बता रहे थे माइनस से जब होता है साइन चेंज करते हैं, तो कहाँ था सर, वो ऐसे बता, लिखते रहेगा तो कहाँ से पता चलेगा, सर नहीं लिख रहा सर, भाई लिख रहा है, देखो इधर सबट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, प्लस करेंगे जब नहीं होगा, प्लस में नहीं, प्लस में प्लस ही रहेगा, समझ गया सर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, सबका साइन चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ध्यान नहीं देता है क्या, दे रहा हूँ ना, तो फिर कहां से पता चल रहा है तुमको, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, डाउट ध्यान से सुनेगा तो डाउट होना ही नहीं है ना, तो जहां भी प्लस रहेगा उसका साइन माइनस, जहां माइनस रहेगा प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर से देखो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका होगा माइनस, समझ गया ये बात। एक और देखो, अगर मान लो एक खुद करने के लिए देंगे इसको, करो एक पहले इसको नोट करो, एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, अभी करते हैं फिर मिलाना कि किसका सही है किसका गलत है। देखो एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, बताना क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स थ्री एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन माइनस नाइन, ये यस सर। दूसरा एक्सप्रेशन देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस टू एक्स पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एटीन अब क्या करेंगे गौरव, अब क्या करें सर, कहाँ पे ये अब कर रहे माइनस, अब क्या करें, मैं बताने दो सर, पहले वो वहाँ अपने प्लस का साइन लगाया ऊपर, एक्स थ्री के आगे लो, हाँ अब सर नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, हाँ वहाँ साइन चेंज हो गया ना माइनस, अब सर वो आ जाएगा इसका आंसर और एक्स थ्री आ जाएगा, एक्स वो एक्स रे पावर थ्री माइनस का साइन, माइनस का साइन, हाँ हाँ, अब सर आगे प्लस का साइन कहाँ, यहाँ बोलो, समझ गया ना, नहीं सर वहाँ पर प्लस का साइन, वहाँ पर प्लस का साइन आएगा ऊपर, यहाँ हाँ हाँ, अब सर इसका आंसर वन वो आएगा वन एक्स स्क्वायर, क्या सर नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, आज उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, वो उसको इतना गुस्सा आ रहा है ना, मारे चार आप उसको, किसको मुझे, हाँ सर मैंने वो ये भी नहीं आ रहा है करने के लिए सर, अरे सर मैंने मेरा आंसर अलग आया है, आज नहीं कर रहा कुछ सर, मेरा आंसर अलग आया सर, अच्छा से बैठो, कैमरामैन बन रहा है, हाँ देखो आगे, अभी आप क्या करें, आगे क्या करें बताओ, मैं सर आगे सर सॉल्व कर दो सर सॉल्व बताओ क्या लिखे हैं जल्दी बताओ सर, वहां पर साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है, अब नीचे आ जाएगा साइन आपका माइनस का, इतना धीरे धीरे बोलेगा हर सर, मेरा आंसर अलग है सर, इसलिए उससे क्या है आंसर अलग है, यहाँ पूछ रहे हैं हम उससे, थोड़ी ना पूछ रहे हैं यहाँ पर, दिक्कत हो रही है, मैं करके दिखाऊंगा, नहीं नहीं बताओ, बताना दिख रहा है यहाँ क्या लिखा हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, बताओ क्या लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ पे अब क्या करना है, सेवन एक्स सिक्स एक्स लिखा है, हाँ क्या करें अब सर, वहाँ पर अब आपका रहेगा वो थर्टीन एक्स,
सर साइन लगा दो साइन सर माइनस तो है अब सर वो नीचे आ जाएगा माइनस नाइन नहीं प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन नाइन कैसे प्लस नाइन कैसे आया है? नहीं ना आ रहा है ये आश्चर्य की बात है सर, ये सब नहीं बस बैठ जा मेरे को बोर्ड पे करने नहीं सर इसको बंद करो अब आप मेरे को बोल रहे बोर्ड पे पहला नंबर कोई ऐसा बच्चा नहीं बोलेगा देखो देखो इधर आओ जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2x² + 4y - 6 अगर ये लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन ये है देख लो भाई कोई दूसरा एक्सप्रेशन है मान लो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y² - x + z दिख गया yes, sir. इसमें से इसको हम माइनस करना है ठीक yes, है अब हम देख रहे हैं क्या x² है चलो x है ही नहीं y है यहाँ पे यहाँ पे y² है और कुछ है ही नहीं और क्या माइनस सिक्स है चलो एक दो टर्म तो पहले सेम ले देते हैं लो एक टर्म को सेम कर देते हैं ठीक है ठीक ना सर, अब माइनस किस तरह करेंगे वो देखना हाँ जी सब देखो यहीं पे पहले आता होता है नहीं किसी को देख लो पहले वो वाला टर्म को पहले लिख दो देखो लिख दिए क्या y² - x² + z² लिख दिए इस वाले टर्म को अगर जो जो सेम है उसके नीचे लिखो और सेम नहीं है तो उसको छोड़ के उधर लिख दो समझ गए बात सर ऐसे भी लिख सकते ना x² है तो प्लस y² के बाद लिख सकते हैं हाँ कर सकते हैं हाँ मतलब ये टर्म है ना चाहो यहाँ इसको आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ देखो y² इसमें था इसमें है y² नो सर इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे x² उधर था इधर है क्या है ये x² इसके नीचे लिख दिए z इसमें है नो और उस अब देखो इसका सारा को लिख दिया अब इसमें जो बच गया उसको इधर लिखो क्या बच गया है माइनस सिक्स और कुछ बचा बस उधर सा सब बचा बस ये नहीं बचा 4y वही मैं कह रहा था यस सर प्लस 4y जो नहीं सेम था उसको क्या किए किनारे में लिख दिए दिख गया भाई yes, इतना समझ में आया yes, sir. सर अब जो जगह ब्लैंक पहले इतना जो समझ में आया जो लिखे समझ में आया कहीं डाउट है तो बोलो इतना आ गया ना yes, बस अगला ये लाइन देंगे ठीक है अब साइन को क्या करेंगे चेंज करेंगे तो इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ था इसका साइन होगा ही नहीं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है माइनस इसका क्या हो जाएगा माइनस इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस क्या कर देंगे प्लस ये क्या लिखा हुआ है प्लस क्या हो जाएगा माइनस ठीक है अब चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो y² रह जाएगा अकेला अब ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गौरव प्लस क्या लिखे कितना देर में जवाब देगा वो सर मैं से पूछा आपने मेरे साइन वी से खाली पूछ ही रहे हैं हम केवल वी से पूछना है ठीक है पूछो मुझसे साइन क्या होगा सर साइन इसका होगा प्लस का प्लस का सर वो 2 का आ गया है साइन बड़ा है चेंज नहीं किए अच्छा सर अब ये देखो क्या बचा प्लस जेड जेड ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर वही रह जाएगा और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा समझ में आया सारा मैं बोलो यस सर देख लो अच्छे से अब साइंस करवा लो हाँ अब साइंस करवा लेते हैं ये समझ में आ गया यस सर नोट कर लीजिए फिर अगले क्लास में आगे इससे करवाएंगे यस इसको नोट कर लीजिए कर लिया सर थोड़ा